रांची आमिया छात्र संगठन के अध्यक्ष एस अली ने अपने संगठन का आजसू में विलय किया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी सभी पार्टी को आजसू पार्टी की सदस्यता दिलाई। और वही सुदेश महतो ने कहा कि नई ऊर्जा के साथ राज्य को बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं आजसू का दामन थामने वाले अल्पसंख्यक नेता एस अली ने कहा कि वर्तमान सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस सरकार को सिर्फ हमारा वोट चाहिए, हमें हक और अधिकार देने को तैयार है। आजसू ने हर वर्ग को हक अधिकार देने का भरोसा दिलाया। आजसू राज्य का सबसे बड़ा विकल्प है और इसलिए 2024 में सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। एक बड़ा टीम पूरे प्रदेश भर के इनके नेतृत्व कर रहा है, जो पार्टी में योगदान दे रहे हैं, मैं इनका आभार और धन्यवाद देता हूँ कि बदले परिस्थिति में राज्य की आवश्यकता, युद्ध की आवश्यकता के आधार पर एक पूरा युद्ध के लिए काम करने वाला, संघर्ष करने वाला एक नेतृत्व और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के बेसिक प्लेटफॉर्म में आकर अब प्रदेश का नेतृत्व करेगा, इसकी शुभकामना हम देते हैं। भविष्य को गढ़ने की तैयारी एक साथ एक जुबान से करने की तैयारी हम सबकी हो रही है और उसी पर बल देने के लिए आज अली साहब और हमारे शेष नेता आज पार्टी में योगदान किए हैं, मैं इनका आभार और धन्यवाद देता हूँ। समुचित प्लेटफॉर्म हम लोगों को उपलब्ध कराया है आजसू पार्टी के माध्यम से और आप लोग जानते होंगे कि 2004 से लेकर अब तक जन संगठनों के माध्यम से, सामाजिक संगठनों के माध्यम से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, चाहे वो छात्रों का सवाल हो, युवाओं के रोजगार का सवाल हो, स्थानीय नियोजन नीति का सवाल हो, भाषा संस्कृति का सवाल हो, इस राज्य में जो करप्शन का मामला हो उस पर सवाल हो, जेपीएससी का मामला हो और जो दूसरे मामले हो। और सबसे बड़े चूंकि हम अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग से संबंध रखते हैं, मुसलमानों का जो मसाइल है उन मसाइलों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया है, कई मसलों को संघर्ष के माध्यम से सॉल्व भी करवाया गया, बहुत सारे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।